हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और जहां दुनिया भर में कोरोना के 18 करोड़ से भी ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं पे नॉर्थ कोरिया ने हू को रिसेंटली एक रिपोर्ट देते हुए कहा है कि उनके यहां पे कोरोना का अभी तक एक भी केस नहीं आया है। आई नो, मैं भी काफी शॉक्ड हूँ। लेकिन इसके लिए नॉर्थ कोरिया ने शुरुआत में ही 2020 में अपने सारे बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया था। कोरोना के शुरू होते ही तुरंत उन्होंने अपने सारे टूरिस्ट को और अपने सारे फॉरेन एम्बेसीज वालों को नॉर्थ कोरिया से बाहर निकाल दिया। इंसानों का तो छोड़ो, नॉर्थ कोरिया ने चाइना से आने वाले बिल्ली और पक्षियों को भी शूट कर देने का ऑर्डर दे दिया था। अब आई डोंट थिंक कि ऐसे सारे मेजर्स अब तक किसी भी और देश ने लिए हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया में वाकई में अभी तक एक भी कोविड का केस नहीं आया है। लेकिन एक मिनट, आखिर हम किम जोंग उन की बात को सच कैसे मान लें? क्या आज तक उस बंदे ने कभी भी नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई सही न्यूज हमें दी है? तो भरोसा क्या है कि इसकी ये बात सच है? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नॉर्थ कोरिया अपने बॉर्डर्स ऐसे दो देशों के साथ शेयर करता है जहाँ पे कोविड के केसेस सबसे पहले आए थे, चाइना और साउथ कोरिया। और फिर चाहे किम कितनी भी बात छुपा ले, लेकिन वो अभी तक ये बात नहीं छुपा पाया है कि चाइना के बॉर्डर्स पर नॉर्थ कोरिया के 180 सैनिक कोविड रिलेटेड सिम्टम्स की वजह से मरे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज नॉर्थ कोरिया की जीडीपी 8.5% तक गिर चुकी है, जिसके कारण फूड आइटम्स के प्राइस आसमान छूने लगे। मतलब बस सोचो, वहाँ पे एक कॉफी की पैकेट की कीमत 7,400 रुपए हो चुकी है, जिसके वजह से आज वहाँ पे 1 करोड़ लोग भुखमरी से जूझ रहे। और इसी के बीचों बीच किम जोंग उन की ये फोटो वायरल हो गई, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि किम जोंग उन का वेट लॉस हुआ है। तो ये वेट लॉस किस वजह से है? एंड माइंड यू, इतनी इकोनॉमी गिरने के बाद भी अगर आप ये कहते हो कि आपके देश में कोविड नहीं है, तो लॉकडाउन क्यों नहीं हटाया जा रहा है? लॉकडाउन हटाओ, ऑफिसेस चालू होने दो, बिजनेसेस चालू होने दो, इकोनॉमी को बढ़ने दो, क्यों नहीं हो रहा है ये सब? सो वेल, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल यही जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया में कोविड है या नहीं, और अगर है तो किम जोंग उन इस सिचुएशन से कैसे लड़ रहा है, आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया में रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया में चलने वाले फूड क्राइसिस के बारे में। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार नॉर्थ कोरिया में अभी इस वक्त 8,60,000 टन खाने की शॉर्टेज है, और यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से नॉर्थ कोरिया में अभी फिलहाल इस वक्त 1 करोड़ पॉपुलेशन कुपोषित है, जबकि उनकी टोटल पॉपुलेशन ही कुछ 2.5 करोड़ है। इसी वजह से पहली बार मई 2021 में किम जोंग उन ने खुद इस क्राइसिस को पब्लिकली एड्रेस किया, और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, फिलहाल नॉर्थ कोरिया में फूड की क्राइसिस बहुत ज्यादा टेंस्ड है। और इस पूरी सिचुएशन का बड़े ही इजीली सारा का सारा ब्लेम डाल दिया गया कोरोना और नॉर्थ कोरिया में आए तूफानों पर। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना का इसमें क्या हाथ है। 2020 में ही चाइना के साथ शेयर करने वाले बॉर्डर्स को सील करके नॉर्थ कोरिया की 90% ट्रेड रुक गई। लेकिन यहाँ पे चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स के कारण एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पड़ा, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट होने वाली चीजों में खाना, खाद और खेती को लेके उसमें इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीजें थी। इनफैक्ट यहाँ पर खाद का तो इतना ज्यादा शॉर्टेज है कि एक पॉइंट पर गवर्नमेंट ने सारे फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए रोज 2 लीटर सुसु कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा था। अब ये तो हुई कोविड की बात, बट दूसरा जिस पे ब्लेम डाला जा रहा है वो है नॉर्थ कोरिया में आए हुए तूफान और बाढ़। ये जून और सितंबर 2020 के बीच आई थी, जिनके वजह से वहाँ पे उगाई हुई सारी फसलें खराब हो गई, और इसी वजह से उनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पूरे साल में लगने वाले फूड सप्लाई देने में नाकामयाब हो गई। लेकिन वो जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बायनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में। बायनोमो ऐप एप्पल और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है, और इसमें आपको बिग कंपनीज जैसे गूगल और अमेज़न के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें आपको ये फोरकास्ट करना होता है कि समय के रिगार्डिंग इन स्टॉक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब देखो, जैसे मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई, इसीलिए मैंने 700 रुपीज का फोरकास्ट अब पे कर दिया। अब थोड़ा सा वेट कर, और यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। इन पैसों को इजीली हम 24 घंटों के अंदर अंदर अपने बैंक या फिर पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन मेरा प्रोमो कोड यूज करने से आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। इसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनोमो को डाउनलोड करने में आपको फ्री में 65,000 रुपीज अपने डेमो अकाउंट में मिल जाएंगे, जिससे फिर आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो या फिर अपना कोई न्यू स्ट्रेटजी ट्राई करो। सो वेट किस बात का, गो एंड डाउनलोड बायनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब ऑब्वियसली इसी खाने की कमी के कारण आज वहाँ पे खाने की चीजों के दाम लिटरली आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का ये भुखमरी का सिचुएशन रीइंस्टेट हो जाता है किम जोंग उन के इस फोटो से।
अभी हाल ही में किम जोंग उन के एक पब्लिक अपीयरेंस पे ये नोटिस किया गया कि किम जोंग उन काफी ज्यादा पतला लग रहा था, उनका फेस ज्यादा पतला लग रहा था, और कुछ लोगों ने तो ये तक नोटिस किया कि उनका जो वॉच है वो भी 2 या 3 नॉचेस टाइट हो गया था। अब इसके पीछे मल्टीपल लोगों के मल्टीपल एजम्पशन शुरू हो गए। कुछ लोगों ने ये कहा कि मे बी किम जोंग उन को खुद ही कोरोना हो गया है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि नॉर्थ कोरिया में इतनी ज्यादा भुखमरी हो चुकी है कि नॉर्थ कोरिया का लीडर खुद किम जोंग उन को ही खाने को खाना नहीं मिल रहा है। अब पर्सनली मुझे तो ये रीजन नहीं लगता, भले ही नॉर्थ कोरिया में कितनी भी ज्यादा भुखमरी क्यों ना हो, ये बंदा अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर लेगा। लेकिन एक बात अभी तक समझ में नहीं है कि हम किस बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोविड के एक भी केस नहीं है। वेल, इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ ये है नॉर्थ कोरिया में हुए कोविड टेस्ट और हु को भेजे हुए रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने 13,000 से भी ज्यादा लोगों के टेस्ट किए और उनके टोटल 26,000 से भी ज्यादा सैंपल्स उन्होंने हु के साउथ ईस्ट एशिया के ऑफिस में भेजे हैं। इसके बाद उन लोगों ने पीसीआर टेस्ट के लिए सारे सैंपल्स को 15 डिफरेंट लैब्स में टेस्टिंग के लिए भेजा, और हु के साउथ ईस्ट एशिया के ऑफिस के वीकली रिपोर्ट के अनुसार ये सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि 2.1 करोड़ वाली आबादी वाले नॉर्थ कोरिया में हर हफ्ते 700 लोगों का टेस्ट किया जाता है ऑन अ रैंडम सैंपल। तो बस इसी के बेसिस पर नॉर्थ कोरिया ने रिपोर्ट्स में ये दावे के साथ कहा है कि उनके यहाँ पे अभी तक कोविड का एक भी केस नहीं आया। लेकिन कोरोना जैसे पैंडेमिक का नॉर्थ कोरिया में एक भी केस नहीं होना, ये कैसे पॉसिबल? तो वेल, इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। वेल, सबसे पहला रीजन तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चाइना नॉर्थ कोरिया का एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जान भाई 2020 को कोरोना की खबर फैलते ही नॉर्थ कोरिया ने चाइना के सामने वाले बॉर्डर्स को एकदम से सील कर दिया, और नॉर्थ कोरिया में जितने भी चाइनीज टूरिस्ट थे उन सबको एक आइलैंड पर क्वारंटीन कर दिया गया। और माइंड यू, ये बात तब की है जब सिर्फ पूरी दुनिया में 400 कुछ लोग ही कोविड से पॉजिटिव हुए थे और सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया ने इतने क्विक और इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लिए थे। उन्होंने सारे टूरिस्ट, सारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट सबको देश से निकाल के बाहर फेंक दिया और अपने देश के सिक्योरिटी को दुगनी कर दी। इसके बाद उन्होंने चाइना और रशिया के बॉर्डर्स के यहाँ पर बफर जोन्स बना दिए। बफर जोन्स यानी दोनों बॉर्डर्स के बीच का स्पेस, उसे बफर जोन्स कहा जाता है। एंड यहाँ पे ये एक ऑर्डर पास कर दिया गया था कि जो कोई ये बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है उसे सीधा शूट कर दिया जाए। इनफैक्ट इसी में एक साउथ कोरिया से आने वाले आदमी को नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने 5 बार गोली मार दी थी, और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला दिया गया सिर्फ इस डर से कि कहीं वो वहां से यहाँ पे कोरोना का इन्फेक्शन ना फैलाए। पर सिर्फ इंसान ही नहीं, इस ऑर्डर ने तो जानवरों को तक नहीं बख्शा, क्योंकि इस ऑर्डर के तहत चाइना का बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हर पक्षी और हर एक बिल्ली को तक शूट कर दिया जाता है। इसके अलावा जैसा हमने ऑलरेडी देखा कि नॉर्थ कोरिया ने चाइना के साथ शेयर होने वाले बॉर्डर्स को सील कर दिया, जिस वजह से चाइना के साथ की ट्रेडिंग पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी, और ये सब भी इसीलिए क्योंकि उनके मन में फिर से ये डर था कि कहीं चाइनीज सामान में वो अपने साथ कोरोना वायरस ना लेकर आ जाए। इनफैक्ट ट्रेडिंग के साथ साथ उन्होंने फिशिंग को तक बैन कर दिया था, क्योंकि फिशेज रशिया और चाइना से बहने वाली नदियों से गुजरकर ही तो नॉर्थ कोरिया आती है, तो मछली में अगर कोरोना वायरस हुआ तो इसीलिए मछली भी बंद। और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में फिशिंग इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट 50% तक गिर चुकी थी। लेकिन इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस और सिक्योरिटी के पीछे का कारण क्या है? वेल, नॉर्थ कोरिया का कमजोर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉर्थ कोरिया के खुद के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अगर नॉर्थ कोरिया में कोरोना फैला तो उनका हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल को छोड़ के बाकी सारे गांव में हॉस्पिटल्स तो छोड़ो, बिजली और साफ पीने का पानी तक नहीं। और इनफैक्ट वहां पे कई बार तो डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते वक्त यूज इंजेक्शंस और स्कैल्पल्स का यूज करते हैं। तो अब चलो समझे, आपके देश का हेल्थ केयर सिस्टम उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आप जितना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन डाल सकोगे आप उतना डालोगे कोरोना को स्प्रेड होने से रोकने के लिए। बात तो सही है, लेकिन क्या इन सब के बावजूद क्या वाकई में ये सारी चीजें कर कर किम जोंग उन कोरोना को अपने देश में आने से रोक पाया है? वेल, वो जानने के लिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस रिपोर्ट बाय हु। नॉर्थ कोरिया ने अपनी रिपोर्ट भेजने के बाद उन्होंने अपनी खुद की एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनाई, जिसके अनुसार जिन 733 लोगों को 4 से 10 जून के बीच में टेस्टिंग किया गया उन सबको इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी और सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थे, यानी उन सब लोगों के नाक और गले में सीरियस इन्फेक्शन थे जैसे कोविड के सिम्टम्स में होता है। एंड माइंड यू, इस पूरे टाइम में नॉर्थ कोरिया ने लगभग सिर्फ कुछ 30,000 लोगों का ही कोविड टेस्ट कराया है, जो उनके देश के पॉपुलेशन का बस 0.1% है। दैट मींस हर 1,000 लोगों में से सिर्फ एक ही जन टेस्ट हुआ है। एंड ये सारे टेस्ट भी ज्यादातर योंगयांग जैसे नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े शहरों में रहने वाले अपर क्लास लोगों का ही हुआ है। अमीर लोगों के बेसिस पे आखिर ये कैसे जज कर सकते हैं कि वहाँ पे रहने वाली नॉर्मल जनता या गांव में रहने वाली जनता की हालत कैसी है?
अगर आपको टेस्ट करके ये प्रूफ करना ही है कि आपके देश में कोरोना नहीं है, तो जाओ आपके देश के छोटे छोटे शहरों में, छोटे गांव में जाके टेस्टिंग करो, वहां पे जाके प्रूफ करो कि वहां पे कोरोना नहीं है। अब दूसरा रीजन है वैक्सीन। कोविड केसेस नहीं है ये कहकर दुनिया भर के बड़े बड़े हेल्थ ग्रुप से नॉर्थ कोरिया वैक्सीन की रिक्वेस्ट कर रहा है। वही नॉर्थ कोरिया जिनके लीडर्स का सबसे पहले ये कहना था कि कोविड के सिचुएशन से छुटकारा पाने का वैक्सीन कोई सलूशन नहीं है। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया ने अपने दूसरे पड़ोसी देश जैसे साउथ कोरिया से आने वाले मदद को भी ठुकरा दिया है। और इस सब के अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने कब अपने देश के बारे में कोई सही न्यूज सबको बताई है। तो अब मैंने आपको नॉर्थ कोरिया के सिचुएशन में क्या क्या हो रहा है, उसके क्या क्या पॉजिटिव्स है, उसके क्या क्या नेगेटिव्स है, पूरे सिचुएशन में क्या क्या चल रहा है, आपको सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई में किम जोंग उन की बात पे भरोसा करके ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में कोविड का एक भी केस नहीं है, या फिर हम ये मान सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में कोविड के केसेस है और किम जोंग उन सिर्फ और सिर्फ हमेशा की तरह उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आई वुड लव टू नो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इससे कुछ भी सीखने को मिला तो अपने सारे फ्रेंड्स को इसे शेयर करो। इस वीडियो को भी ऑफ कोर्स एक लाइक दे दो। और अगर आपको ऐसे ही फ्लर्न यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल जैसे फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।